दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे टेक्निकल में। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जे टेक्निकल। दोस्तों मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ वाई यूट्यूब की तरफ से एक बड़ी, क्योंकि अगर आप अपने यूट्यूब पे कुछ ऐसी सेटिंग करेंगे तो आपके चैनल में ग्रोथ बढ़ेगा और साथ में भी आपके चैनल को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है अपने चैनल पे अगर आप नए क्रिएटर हैं, और नए क्रिएटर के साथ साथ अभी चैनल आपने स्टार्ट किया है, आपको जानकारी नहीं है यूट्यूब बारे में, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। एक छोटी छोटी सी जानकारी जो कि आपके YouTube के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, जैसे कि मैं आपको आज कुछ ऐसी सेटिंगों के बारे में बताऊंगा जिससे आपने कब आज, जैसे कि आप सब बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे कमेंट करते हैं हमारे पास कि स्पैम कमेंट करने से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बताऊंगा कि आप स्पैम कमेंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं और कैसे पता कर देंगे कि आपका कल जो कमेंट है हमारे पास स्पैम कमेंट कितने आए हैं, किस जगह पर स्पैम कमेंट जाकर रुके होते हैं, किस जगह स्पैम कमेंट जाकर छिपे होते हैं, जो हम पता कर सकते हैं कि स्पैम कमेंट कैसे डिलीट कर सकते हैं, और भी कुछ ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिससे आपका चैनल पे आपका चैनल ग्रो करेगा और साथ में आपके वीडियो भी सजेशन में जाएंगे, आपकी चैनल रैंकिंग भी बढ़ेगी। आज की मैं कुछ ऐसी सेटिंग आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों मैं आपको अपने अपने स्क्रीन पर चलूंगा जहाँ से आपको पूरी सेटिंग के बारे में जानकारी दूंगा और आपकी सेटिंग में बताऊंगा कैसे आपने अपने यूट्यूब पे सेटिंग करने की वजह से आप सेटिंग करने से आपका चैनल एल्गोरिथम बढ़ेगा और आपके चैनल पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर के लिए। दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से ही अपने यूट्यूब की पूरी सेटिंग को कैसे करते हैं। अब बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बना रखी होंगी, आप बता रहे होंगे कि अगर वो अधिकतर पीसी या लैपटॉप से बताते हैं अपने सेटिंग को फॉलो करने के लिए, मैं आप लोगों को अपने एंड्रॉयड फोन से बताऊंगा कि आप लोग अपने मोबाइल फोन से ही इस सेटिंग को कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने सेटिंग को अच्छी सेटिंग को आप प्रोफाइल तरीके से फिक्स कर सकते हैं और इससे आपके यूट्यूब पर ग्रो भी बढ़ेगा और आपके चैनल पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी फ्यूचर में। तो चलिए दोस्तों हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आपको ले चलते हैं और वहां दिखाते हैं आप लोगों को कैसे कैसे आप लोग अपने चैनल पे नए सेटिंग करके आप अपने चैनल को बचा सकते हैं और अपने चैनल पे ग्रोथ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैंने अपने यूट्यूब चैनल खोल लिया है, आप भी अपने यूट्यूब चैनल को खोल लीजिएगा। फिर वहां से हम चलेंगे कम्युनिटी पे क्लिक करेंगे। कम्युनिटी पे क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन आपको दिखेंगे और आप देख सकते हैं कि मैंने कम्युनिटी पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पे दोस्तों मिल गया है आप सबके लिए पब्लिश कमेंट दे रहे होंगे। आप यहाँ पे कुछ कमेंट्स आप लोग को शो भी हो रहे होंगे, जैसा कि सारे कमेंट्स को आप शो करते हुए देखते रहेंगे। किसमें लिखा है हेल्ड फॉर रिव्यू और लाइकिंग स्पैम, तो लाइकिंग स्पैम पर आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जितने भी कमेंट आपके स्पैम में गए हैं वो कमेंट आपको शो होंगे। चलिए दोस्तों हम क्लिक करते हैं लाइकिंग स्पैम कमेंट पर और देखते हैं क्या क्या कमेंट हमारे पास रिव्यू में गए हुए हैं और जो कमेंट इकरे हुए हैं स्पैम गए हुए हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक दो चार हमारे पर कमेंट आए हुए हैं जो कि रिव्यू में गए हुए हैं और इस रिव्यू को इस कमेंट को चाहे तो आप अप्रूव कर सकते हैं या तो फिर इसे रिमूव भी कर सकते हैं। दोस्तों पहले जैसे देख सकते हैं कि आप यहाँ पर झंडी का निशान दिख रहा होगा, उस झंडे के निशान पर आप थोड़ा क्लिक करेंगे तो आप लिखा रिपोर्ट स्पैम ऑफ अबाउस और लिखा है हाइड द यूज़र, यानी कि यूज़र को हाइड भी कर सकते हैं कमेंट को आप इस चैनल से इससे, तो अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं, अगर रिव्यू में डालना चाहते हैं रिपोर्ट करना चाहते हैं कमेंट को तो रिपोर्ट भी कर सकते हैं। बट मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, बट इस मैसेज को मैं डिलीट करना चाहूँगा। हम इस मैसेज को डिलीट कैसे करेंगे इसके बारे में आज तो देख सकते हैं कि बॉक्स लगा हुआ डिलीट का, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज डिलीट भी है, तो फिर मैंने एक मैसेज डिलीट भी कर दिया। चलिए तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पे एक चार कोने दिया, वहाँ पे टिक करने के लिए दिया होगा अप्रूव रिव्यू और रिपोर्ट स्पैम के लिए, तो वहाँ पे आप सब देख सकते हैं मैंने कमेंट को भी शो भी करा दिया है जो कि हैप्पी दिवाली लिखा हुआ था, वो भी कमेंट हमारे स्पैम में गया था। चलिए तो मैं अब वहाँ पर क्लिक करूँगा जहाँ पर एक बॉक्स लिखा होगा आपको अप्रूव लिखा होगा, अप्रूव बगल में एक बॉक्स है वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे दिया गया है अप्रूव करने के लिए, रिमूव करने के लिए, रिपोर्ट स्पैम करने के लिए, तो मैं यहाँ पे अप्रूव नहीं करूँगा, मैं सारे कमेंट्स को रिव्यू में करना चाहता हूँ और मैं इस कमेंट को पूरा रिमूव कर दूँगा। तो रिमूव पे मैं क्लिक कर लीजिए, आप भी हम भी क्लिक कर रहे हैं और रिमूव पर क्लिक करने के बाद देखेंगे कि आप सारे मैसेज स्पैमली पूरे डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा नेट स्लो होगा तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं कि मैं अब रिमूव पर क्लिक कर दिया हूँ और देखिए कुछ समय में अब मेरा मैसेज पूरा डिलीट हो जाएगा। थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों के लिए भी, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि नेट अभी बहुत स्लो चल रहा है मेरा इसकी वजह से। देखिए मैंने रिव्यू से क्लिक किया
अब देखिए पूरा मैसेज कमेंट रिमूवेड लिख दिया है, और मैं इसे रिफ्रेश करके भी दिखाता हूँ कि अब कमेंट जो 16 कमेंट दिखा थे स्पैम में वो कमेंट अब नहीं रहे होंगे। इससे आप ऑल कमेंट्स को भी अपना डिलीट कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड फॉर रिमूव वाले कमेंट में कितने कमेंट पड़े हैं। तो हमारे हाइड कमेंट में सिर्फ एक ही कमेंट पड़ा है, जो कि किसी ने एक हाइड कमेंट किया जिसमें लिखा है एंटरटेनमेंट एस आर कोई चैनल है, उन्होंने लिखा है माई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब प्लीज़। तो दोस्तों यहाँ पर माई यूट्यूब चैनल जिन्होंने सीधे लिखा हुआ चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, तो ये तो ऑलरेडी रिव्यू में या हिंट में जाना जरूरी था। चलिए तो मैं इस कमेंट को भी डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्लिक करने के बाद रिमूव में क्लिक कीजिएगा, रिमूव हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे अब अप्रूव भी कर सकते हैं, पब्लिक कमेंट में डाल सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये कमेंट डिलीट हो चुका है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दूंगा पब्लिक कमेंट कहाँ से दिखेंगे। देखिए तो पब्लिक कमेंट में आप लोग जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर पब्लिक कमेंट स्लाइडिंग करके आपको दिखा देगा पूरा जो कमेंट्स पब्लिक हैं। अब हाइड कमेंट और लाइकली कमेंट जो भी थे दोनों कमेंट रिमूव हो चुके हैं हमारे तरफ से। आप देख सकते हैं नो कमेंट टू डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। और जैसे पब्लिक कमेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी कमेंट आए थे हमारे वीडियो पे वो कमेंट शो हो रहे हैं पब्लिक कमेंट में। दोस्तों एक ए सेटिंग आ रही थी आप सबके लिए एक, जो कि स्पैम कमेंट, और स्पैम कमेंट की वजह से आप लोग बहुत परेशानी होते हैं, जो कि आपको स्पैम कमेंट वहाँ पर वाई टी स्ट्रीम शो भी नहीं होते हैं। आप सोचते हैं कि हमारे पास कितने कमेंट वाई टी यानी कि कितने कमेंट स्पैम में गए हुए हैं, तो आप यहाँ से अपना कमेंट चेक करके और कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। चलिए तो मैं और कुछ सेटिंग आपको बताऊँगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे चैनल पर क्लिक किया है, चैनल पर क्लिक करने के बाद कम्युनिटी सेटिंग में जाना है। वहाँ से कुछ वहाँ पे कम्युनिटी सेटिंग जाने के बाद आप वहाँ से मॉनिटर चाहते हैं मॉनिटर भी बना सकते हैं, या फिर वहाँ पे कुछ वर्ड्स हाइड करना चाहते हैं यूज़र हाइड करना चाहते हैं यूज़र को भी हाइड कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स भी आप हाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप सब देख सकते हैं कि मैंने भी कुछ यूज़र को हाइड किया हुआ है, जो कि और कुछ कमेंट्स यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत बेहूदा वर्ड्स होते हैं, जैसे कोई गाली वाली लिख देता है कमेंट में आपके, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि जैसे कि आप लाइक सब्सक्राइब नाइस जैसे अम्मी यानी जो भी कुछ कमेंट्स आते हैं उन सब जो भी कमेंट चाहते हैं अपने यहाँ पे रिव्यू में डालने के लिए उस कमेंट्स को आप रिव्यू में या फिर ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक वर्ड्स, तो वहाँ पे ब्लॉक वर्ड्स के बगल में एक बॉक्स दिया होगा, उस बॉक्स में स्क्रीन में क्लिक करेंगे तो उस बॉक्स में आपको वो सारे वर्ड्स लिखने पड़ेंगे जो वर्ड्स आप अपना यानी कि हाइड वर्ड में करना चाहते हैं, जो वर्ड्स आपके कमेंट में शो ना हो हाइड करना चाहते हैं उस कमेंट को, उस कमेंट को आप हाइड कर सकते हैं इस कमेंट बॉक्स में क्लिक करने के बाद। आप देख सकते हैं कि मैंने अब कुछ वर्ड्स यहाँ पर ब्लॉक करके आप मेरे को दिखाता हूँ, और यहाँ पर कुछ वर्ड्स में ब्लॉक करूँगा, जैसे कि मैंने लिख दिया है हाय या फिर कुछ भी वर्ड्स लिखता हूँ, वहाँ पे जाकर देखेंगे तो यहाँ पे वो वर्ड्स हाइड हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर हाय लिखते हैं तो वो वर्ड्स शो नहीं होगा जल्दी अपडेटिंग के बाद। दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने ये वर्ड्स कुछ वर्ड्स को मैंने हाइड करने के लिए यहाँ पर टाइपिंग भी कर लिया है और कुछ वर्ड्स हाइड कर लिए हैं। और दोस्तों आप भी ऐसे तरीके से अपना अपने कमेंट बॉक्स में अपना कुछ वर्ड्स को हाइड कर सकते हैं, और अगर मॉनिटर बने तो मॉनिटर भी बना सकते हैं, अप्रूव करें तो अप्रूव भी यूजर्स को भी कर सकते हैं, जो भी यानी जो यूजर्स को आपने हाइड किया उसको अप्रूव भी कर सकते हैं इस सेटिंग की वजह से, और इस सेटिंग से आप यूज़र को हाइड भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बस एक दोस्तों ये था दूसरा सेटिंग, और एक सेटिंग और दोस्तों मैं आप लोग जो बताने वाला हूँ ये सेटिंग दोस्तों है कि आप फिर से अपने चैनल पर क्लिक कीजिएगा। चैनल पर क्लिक करने के बाद आप जाइएगा सीधे एडवांस सेटिंग में, और एडवांस सेटिंग में दोस्तों आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चीज़ें बताऊँगा मैं। और एडवांस सेटिंग पर चलिए दोस्तों मैं क्लिक कर लिया हूँ, अब ओपन हो चुका है मेरा एडवांस सेटिंग। यहाँ पर दोस्तों देखने मिलेगा यहाँ पर कंट्री लिखा होगा और लिखा हुआ चैनल कीवर्ड। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि चैनल कीवर्ड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, चैनल कीवर्ड के माध्यम से ही हमारा चैनल सर्च में आता है और सजेशन में भी वीडियो हमारी जाती है। जैसे जैसे वो मैंने कुछ चैनल कीवर्ड लगाए हैं, आप भी अपने आपका चैनल जिस चीज़ का हो उस चैनल के हिसाब से आप अपना चैनल का कीवर्ड भी लगा सकते हैं। चलिए तो मैं कुछ कीवर्ड्स अप्रूव किया हुआ हूँ अपने चैनल पर, तो आप भी कमेंट जैसे कि चैनल कीवर्ड के बगल में एक बॉक्स लिखेगा, उस बॉक्स में आप जो अपना चैनल कीवर्ड जिस प्रकार से आपका चैनल जिस कटे का चैनल है उस तरीके से अपना चैनल कीवर्ड लगा सकते हैं। इस चैनल कीवर्ड से आपका चैनल रैंक भी करता है, और पहली बात आप जब भी अपना चैनल को सर्च करेंगे सबसे पहले आपका चैनल का नाम से सर्च तुरंत निकल जाएगा आपका चैनल, क्योंकि एक कीवर्ड की वजह से ही आपका चैनल सर्च होता है और जल्दी सर्च में नहीं आ पाता है चैनल कब तक कीवर्ड नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों मैंने कुछ कीवर्ड अप्रूव किया है और कुछ कीवर्ड लगा भी दिए हैं, आप लोगों को मैं एक कीवर्ड लगा के भी दिखाता हूँ कैसे इस कीवर्ड को हम लगाते हैं। देखिए जैसे मैंने कुछ लिखा है इस कीवर्ड पे, जैसे कि मैंने लिख दिया यूट्यूब टिप्स और यूट्यूब से लिख दिया, तो मैंने इसे कीवर्ड में अपने सेट कर दिया। आप भी अपने चैनल के माध्यम से जो भी आप वीडियो बनाते हैं उस माध्यम से अपना कीवर्ड लगा सकते हैं। यहाँ दोस्तों कीवर्ड लगाने के बाद आपको सीधे नीचे दिखा देगा एक सेव बटन करने के लिए, आप सेव बटन में जाकर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपका कीवर्ड सेव हो जाएगा। जैसा दोस्तों देख सकते हैं कि आप सब सेव पर क्लिक करने के बाद सेव मैंने सेव कर दिया है, आप
भी सेव पर क्लिक करेंगे तो सेव करने के बाद आपका चैनल कीवर्ड सेव हो जाएगा फाइनली दोस्तों। इस सेटिंग से दोस्तों आप अपना चैनल को कीवर्ड लगा सकते हैं और चैनल को हाइड जो कमेंट हाइड करते थे उससे हाइड करते थे। तो फाइनली दोस्तों ये सब जो भी कुछ सेटिंग थी जो कि मैं आप लोग बताया था, तो दोस्तों ये सब सेटिंग करने के बाद आपका चैनल ग्रोथ के लिए आगे बढ़ेगा और ग्रोथ जल्दी होगा इस सब सेटिंग से, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी ये सब चैनल के कीवर्ड्स और हाइड कमेंट्स चीज़ें रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं जो कि कमेंट पढ़ने लायक भी होते हैं और कुछ लोग गाली ग्लोज भी कमेंट में कर देते हैं, तो इससे दोस्तों बहुत प्रॉब्लम होती है हमारे कमेंट बॉक्स में। इससे आप अपने चैनल को का सेटिंग कर लीजिए और सेटिंग करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने देखा कि मैं जिस प्रकार सेटिंग की है वो सेटिंग अगर आप भी कर लेते हैं तो आपके चैनल में भी ग्रोथ का चांसेस बढ़ जाता है और आपके जो कमेंट आपको शो नहीं होते हैं और लोग कहते हैं कमेंट हमने किया है और शो नहीं होते हैं, उस कमेंट को भी आप इस सेटिंग के माध्यम से आप दे सकते हैं और उस कमेंट को आप चाहे तो पब्लिक कर सकते हैं या नहीं चाहते हैं तो पब्लिक कमेंट को भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग इस सेटिंग को सही तरीके से सही ढंग से आप समझ गए होंगे और इस सेटिंग करने से आपको फिर फायदा होगा। करो दोस्तों आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों से जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही यूट्यूब की तरफ से हर एक छोटी सेटिंग और हर छोटी खबर और हर छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम तत्पर रहते हैं आप सबके। चलिए तो बस इतना ही कहूंगा और आज की वीडियो के लिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।